सियासतदानों वाले सवाल करो चाचा जी, तुसी कभी डंडे की हाकी देखी? हाँ वो ऐसे होती है, उंज का मूह है। उसके बारे में आपने कुछ किया उसका? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप जाके सैलाब कवर कीजिए। आप यहाँ पे मुझे देखकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो देखा खबरतीन हजरा, हमने सियासतदान से जब भी कुछ सवाल करते हैं वो अपना सवाल आगे रख लेता है, उसके साथ अपने जवाब दे देता है। हमने जो पूछा वो बता रहे, हम जो पूछ रहे वो बता दे दी। आप तो लेट हो गए, किसी तरह हमारे साथ होता है। अवाम 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 कब तक जुल्म का सामना करती रहेगी? अवाम कब तक? जब तक हम एक नहीं होंगे, इसी तरह गैर लोग आकर हमारे मुल्क को लूटते रहेंगे, हमारे मुल्क को खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। अपना बेटा जी, ये जो आपके सामने वकूआ हुआ है कि ये जाली सैलाब ज़दगान बने हुए हैं और असली जो लोग हैं उनका हक मार रहे हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? जी ताई जी, बड़ा अफसोस हुआ है, बल्कि मैं आपको शाबाश दूंगी, हालांकि आपकी देखें भतीजी लगती हूँ। आपकी हॉकी वाले डंडे ने इनको पकड़ लिया है। अवाम से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जो लोग मुस्तहिक हैं उनके साथ रहें, उनकी मदद करें। इस तरह के फ्रॉडियों को तो पकड़ के डंडे लगाने चाहिए, जैसे अभी आपने अपनी सोटी से इनको, हॉकी वाली सोटी से डंडे। यानी आपका फैसला ये कि इनको थाने दे दें? जी बिल्कुल, इनको जी वो इनको ले जाओ थाने और जाके वाइन की एक दो सेल्फियां बनवा के ना लमा पा के उनसे कहो मुसलसल सेल्फियां बनाए। चलो सेल्फिशो, चलो चलो नहाने वाले टप। बाय, मैं भी आऊं? यस थाना। तो चल तेरी फूफी दी थी ये, यस चल थाना। बाय, मैं भी जाती हूँ। जा पुत्र, जाके तो कोई बर्गर बुर्गर खाओ। ओके। हाँ, मुझे बबली की याद आ रही है। बबली तो अमेरिकन टिल्ले और आता है जी। तुम्हें जाना मुसीबत जम के घर ने साढ़े छी जी बाहर चलो। क्यों जी की होया? मदारी कह दे जी न्योला खोल के घर बढ़ गए। लस जा, इधर तो आओ, एक सेल्फी बना ले। सारा तुमने इसको सर पे चढ़ाया हुआ, फिर मेरे सर पे नाचता है। ये देखा, तुम लोगों की हरकतों की वजह से ये होता है। क्या क्या क्या? जो तुम मेरे सर पे नाचते हो। सेल्फी बनवा ली, बस अब तुम सर चढ़ जाओगे। अब टाइम से घर पहुंचो, बातें कम करो और बच्चों को जाके फीडर बना कर दो। समीना जी, इसको ना दिन में
ख्वाब आते हैं इसको बता रही है। क्या तुम्हें क्या? मैंने तो फैसला कर लिया, मैं अमेरिका को मुंह नहीं लगाता। बहुत अच्छा किया, वैसे भी अमेरिका तुम्हें कौन सा मुंह लगाता है? कोसलर नु अमेरिका मुंह ना लाए ले ले। तुम्हें बल्कि कोई भी नहीं मुंह लगाता। ओके आ जाते हो रोज हमारे घर मीठे चावल खाने, सो अननोइंग। बड़ी बीवी ऑफ कोर्स। रात कैसे होती है? जो आप दे सो सिंपल, सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है। चल जा मेरा पुत्र। वैसे गल ने ठीक की है, अमरीका साड़ी सुनता कदों? असी बड़ी उन्होंने सुन डे, असी भी कख नहीं समझते। कौन से पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि आप सियासत में आना चाहती हैं, और एक औरत होते हुए सियासत में आना बड़ा कमाल चाहिए उसके लिए? एक्चुअली मेरे ससुर पहले से ही ताया जी जानते हैं, उनके कजन हाँ। हैं वो थे? पहली कसूर से दो दफा नॉमिनी हो चुके हुए थे, इलेक्टेड मेंबर थे कसूर से। सियासत का तो दूसरा नाम खिदमत खल्क है, तो मैं खिदमत खल्क करने के लिए मैदान में आ कूदी। वहाँ पे ताया जी ने मेरी फुल सपोर्ट की, बड़ी सपोर्ट की जी। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट जो होती है वो बंदे पे असर अंदाज होती है। बिल्कुल होती है ताया जी, बिल्कुल होती है। मेरी ती समीना ने कितनी अच्छी बात की है, बहुत खूबसूरत, कि जो हकदार हैं उनकी इमदाद करनी चाहिए और जिनको आप नहीं ना जानते उनकी इमदाद नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जिस तरह मुल्क तरक्की कर रहा है, जिस तरह सारी जमातें एक पेज पे आ गई हैं, अगले साल से ये डैम जो बनने शुरू हो जाएंगे, फिर इस मुल्क में बिजली भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, बेरोजगारों को नौकरियां भी मिलेंगी। मुझे आज भी याद है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो तरक्की बिल्कुल यूं डल होती जा रही थी, और एक वक्त आया था कि चौधरी शुजात साहब की हुकूमत थी जी, तालीम की रेशो तेज हो गई थी, सड़कें बननी शुरू हो गई थी, बच्चे स्कूलों में आने शुरू हो गए थे, क्या बात, नौकरियां मिलती थी, किताबें मिलती थी। ताया जी इन्होंने पंजाब की तरक्की के लिए काफी काम किया, बहुत ज्यादा काम किया है। और ताया जी 1122 रेस्क्यू 1122 बनाई, ट्रैफिक वार्डन बनाए उन्होंने, और जैसे आप बता रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम, हेल्थ रिफॉर्म प्रोग्राम, माशाल्लाह ताया जी आप तो बड़े अवेयर्ड है मेरी सियासत। लो मैं तो चौधरी शुजात साहब का मद्दा हूँ, लेकिन फाइनल बात मैं ये कहता हूँ कि वो हमारे लिए बाबरकत है। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारे बड़े हैं।